हम बनाएंगे चॉकलेट वनीला आइसक्रीम, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जो घर में सामान अवेलेबल होता है ना उसी सामान से, बिना कंडेंस मिल्क के। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो दूध, उसको उबालने रख दिया है धीमी आंच पे, और साथ ही डाली है इसमें 6 से 7 चम्मच बड़े चम्मच चीनी। चीनी डालकर इसको मिक्स करते रहें, हल्के हाथों से इसको चलाते रहो और आंच को धीमी रखें। इसके बाद में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच दूध, मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, उसमें डालेंगे हम वनीला कस्टर्ड पाउडर, डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब जो दूध उबल रहा था ना उसमें, उसको धीरे धीरे हाथों से चलाते जाएंगे और इस पेस्ट को जो हमने बनाया है इसको उसमें डालते जाएंगे। हल्के हाथों से चलाते जाएं और बस उसको चलाते हुए मिक्स करते जाएं। मिक्स करें और दूध को हल्के धीरे धीरे उबलने दें और बस इसको साथ ही साथ चलाते भी रहें, और जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए आप इसको धीमी आंच पे उबालते रहें, और बस जब गाढ़ा हो जाए दूध इसे जार में लें, उसमें डाल लें, और 1 कटोरी 6 से 7 चम्मच लिया है मैंने मिल्क पाउडर, उसको डालें। साथ ही इसमें ली है 6 से 7 चम्मच मैंने मिल्क क्रीम, जो आती है ना क्रीम, वो लेकर अमूल की क्रीम लीजिए और वो थोड़ा सा मैश कर लीजिए अच्छे से, चम्मच से ही आप मिक्स कर लें। देखें कितना गाढ़ी बन गई है और कितना अच्छा फ्लो आ रहा है इसमें, बस इसी भी इसमें डाल दें और इसको हम कर लेंगे सभी को ग्राइंड। 1 मिनट तक इसे ग्राइंड करें और बस इस पे इसको हम डालेंगे एक डिब्बे में, जो भी आपके पास एयरटाइट बॉक्स हो उसमें डाल दीजिए। मेरे पास आइसक्रीम का डिब्बा रखा था ये, इसमें मैंने इस पेस्ट को डाल दिया है। ये वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार है हमारी। अब बनाएंगे हम चॉकलेट आइसक्रीम। इसके लिए मैंने ली है 3 चम्मच कोको पाउडर, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं आप कोको पाउडर, उसको भी लेकर इस ग्राइंडिंग कर लिया है। बस ये चॉकलेट आइसक्रीम भी बनकर तैयार है। इसको मैंने दूसरे जार में डाल दिया है, मेरे पास एक और था जो मैंने कभी चॉकलेट की आइसक्रीम मंगाई थी तो उसका जार रखा था, उसमें ही मैंने इसे भी डाल दिया है। और बस इसको टैप करें अच्छे से ताकि जो इसकी हवा है पास हो जाए, इधर उधर निकल जाए, और बस इसको दोनों को हम रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में। और इसके बाद में देखिए हमारी वनीला आइसक्रीम भी बनकर तैयार है, और इसके ऊपर मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, और साथ ही में आप देखिए चॉकलेट आइसक्रीम भी हमारी बनकर तैयार है। इस तरीके से आप घर पर ही आइसक्रीम बनाएं और हेल्दी भी रहेगी और बाजार से सस्ती भी पड़ेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब।